आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, ताला चाबी क्रियाविधि परिकल्पना कब और किसने प्रस्तावित की थी, यानी लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके देने वाले वैज्ञानिक का नाम था एमिल फिशर। ठीक है, एमिल फिशर द्वारा ये परिकल्पना दी गई थी। कब दी गई थी? ठीक है, 1894 में। ठीक है, अब देखते हैं क्या है था ये ताला चाबी प्रक्रिया। तो मतलब इसमें जो क्रियाधार होता है, जैसे कोई ए उत्पाद से बी में बदल रहा है, यानी कि ए क्रियाधार उत्पाद बी में बदल रहा है, तो ये उत्पाद हो गया और ये क्या हो गया? क्रियाधार हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? एक एंजाइम होगा जिसे हम बिकर कहते हैं। तो इसमें जो क्रियाधार होगा उसे हम की बोलते हैं, यानी चाबी बोलते हैं, मतलब इस परिकल्पना में। ठीक है, चाबी। और दूसरा जो यहाँ पे एंजाइम है वो लॉक की तरह काम करता है, यानी ठीक है, ताले की तरह काम करता है। तो एंजाइम और जो ये क्रियाधार है वो ताला चाबी की तरह आपस में फिट हो जाते हैं, जिससे कि उत्पाद यानी बी बन जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से, ये हो गया एंजाइम, ठीक है, और ये जो लॉक की तरह काम कर रहा है वो, सॉरी, ये हो गया की, यानी क्रियाधार हो गया सबस्ट्रेट, और लॉक हो गया एंजाइम, ये आपस में फिट बैठ जाते हैं, जो इसके एक्टिव साइड यानी सक्रिय स्थान होता है इस एंजाइम का। उसके बाद यहाँ सबस्ट्रेट हो रहा है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, इस एंजाइम का एक्टिव साइड है, तो ये की तरह यानी चाबी की तरह, और ये एंजाइम जो है ताले की तरह इसके एक्टिव साइड पे, एंजाइम जो ये सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार है वो बैठ जाता है, और यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी क्रियाधार और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे उत्पाद बनने लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये परिकल्पना प्रस्तावित किया था एमिल फिशर ने 1894 में। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।